وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم جسے مل گیا کم لیوالے کا دامن اسے پیر و مرشد کی حاجت ہی کیا ہے. جسے مل گیا کم لیوالے کا دامن اسے پیر و مرشد کی حاجت ہی کیا ہے. تعریف اسی کی توفیق تعریف انہی کی توصیف انہی کی ان کے سوا رکھا پاس کیا ہے. قربان کرنے کو چیزیں ہی دو ہیں دونوں کو ہم نے فدا کر دیا ہے. سر ہے خدا کا دل مصطفیٰ کا
सर है खुदा का, दिल मुस्तफा का फिदा के लिए रखा पास क्या है। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ला शानहु दी जाती अकदस वास्ते है। दरूदो सलाम आकाए कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम आज़म, इमाम कायनात, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम दी ज़ाती अक़दस व अतहर व आला और अरफवा से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा नहायत ही फ़ज़्ल व करम है, उस मालिक दी बड़ी तौफीक खास नल आज दे इस खुतबा नमत मुबारक अंदर हाजिर हुई हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। आज दे इस खुतबा नमत मुबारक अंदर मैं इंशाअल्लाह ताला आयतुल कुर्सी दी फदीलत तर्जमा और तफसीर बयान करांगा। कुरान पाक दी जितनी भी आयात ने हर आयत फदीलत वाली अजमत वाली है। कुरान पाक ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी फदीलत अता फरमाई है, बड़ा मुकाम है, बड़ी शान है। लेकिन कुरान पाक दी जिस आयत करीमा दी फदीलत और अहमियत आज मैं बयान करनी, उदी अहमियत और फदीलत बहुत बड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जनाब उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अनु कुल सवाल किया। नबी पाक फरमांदे ने या अबल मुनजिर, उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अनु उन दी जो कुनी असी अबल मुनजर, आपने फरमाया भाई दसो कुरान पाक दी सब तो बड़ी फदीलत और बड़ी शान वाली आयत कौन सी, केड़ी आयत की जड़ी सब तो फदीलत वाली। तो सैयदना जनाब उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला ने बयान फरमांदे ने या रसूलल्लाह कुरान पाक दी जितनी भी आयात ने उन आयात विचो सब तो फदीलत वाली आयत आयतुल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और इसी आयत अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इस्म आज़म बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जनाब उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु दे सीने ते हाथ मारिया, फरमाया उबई तेनु तेरा इलम मुबारक होए, बिल्कुल तू ठीक जवाब दिता है। अल्लाह पाक दे हाँ सब तो फजीलत वाली जो आयत है आयतुल कुर्सी है। इस आयत की बड़ी फजीलत है, उदी वजह यह है कि इस आयत अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ग्यारह नाम, अपनिया ग्यारह सिफात बयान फरमाई। कुरान पाक दी किसे आयत अंदर अल्लाह पाक दिया अकठियाँ इतनी सिफात नहीं जितनिया सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत अंदर नाज़िल फरमाई। और ये ऐसिया सिफात ने कि दुनिया दे किसे नबी अंदर, किसे वली अंदर, किसे बंदे अंदर ये सिफतां नहीं हो सकती जिड़ियाँ सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक अंदर बयान फरमाइया ने। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे समय संसार उदे ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात दिवाकार आयतुल कुर्सी दे बारे मेरे पैगंबर ने फरमाया। आका फरमांदे ने जड़ा बंदा हर फर्ज तो बाद आयतुल कुर्सी नूं पढ़दा है, फरमाया अगली नमाज दे दरमियान दे अंदर जितना वक्त हुंदा है, यानी बंदे ने अगर फजर दी नमाज जमात नाल पढ़ी है
ते जमात तो बाद फर्ज नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़िए। फरमाया जुहर तक बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी पनाह अंदर रहंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे दी हिफाजत फरमांदे ने कि जड़ा बंदा आयतुल कुर्सी नु पढ़न वाला है। और दूसरी हदीस अंदर मेरे पैगंबर ने फरमाया फरमाया जड़ा बंदा हर फर नमाज तो बाद आयतुल कुर्सी नु पढ़दा है, फरमाया जिस वक्त बंदा मरेगा फौत होएगा इस दुनिया तो जाएगा, फरमाया ओदे जन्नत दे दरम्यान दे अंदर कोई चीज रुकावट नहीं होएगी। जड़ा बंदा हर फर नमाज तो बाद आयतुल कुर्सी नु पढ़ेगा मरण तो बाद बंदा डायरेक्ट अल्लाह बाप दी जन्नत अंदर चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आयतुल कुर्सी तो बंदा पढ़ेगा जिन्हें पांच नमाजा पढ़निया ने। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयो बड़ी फदीलत बड़ी अहमियत है हर फर नमाज तो बाद आयतुल कुर्सी नु पढ़न दी। और आयतुल कुर्सी दा तर्जमा क्या तफसीर क्या है आओ दराज दी खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर आयतुल कुर्सी दा तर्जमा पढ़ने आओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात दिवाकार आयतुल कुर्सी नु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरे पारे दे पहले रुकू अंदर बयान फरमाया खाल के कायनात दा कुरान ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाहु ला इलाहा नहीं कोई इला इल्लाहु मगर अल्लाह ही लाए अल्लाह ही मुश्किल कुशाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पहले कलमे अंदर अल्लाह पाक ने ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया। ला इलाह दा माना है वे अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बिगड़ियाँ बनान वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटे ते बेटियाँ देन वाला कोई नहीं। फरमाया ला इलाहा अल्लाह कल्ला मुश्किल कुशा ते आदत रवाए। ए जड़ा कलमा ना ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे दी बड़ी फदीलत है। मेरे पैगंबर ने फरमाया अफदलुज जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया जितने भी अल्लाह पाक दे जिक्र ने जितनिया भी अल्लाह पाक दियां हम दाते सनावा ने जितनिया भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दियां तारीफात ने फरमाया हर तारीफ विचों हर जिक्र विचों सब तो बड़ा जिक्र अल्लाह पाक दे हां ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक हदीस अंदर मेरे पैगंबर ने फरमाया फरमाया जड़ा बंदा ईमान दी हालत अंदर एक दफा अपनी जुबान विचो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा है फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत। फरमाया जिस बंदे ने अपनी जुबान चो ईमान दी हालत अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह किया वो बंदा अल्लाह पा दी जन्नत अंदर जाएगा। फरमाया से बंदे नु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत अता करनी है कि जड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह दा जिक्र करने वाला बंदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना कदराती दीवाकार गौर कर दे जाना दरा। और दूसरी हदीस अंदर मेरे पैगंबर ने फरमाया आका फरमाम देने मन का ना खारू कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत। फरमाया जिस बंदे दी जिंदगी दा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया हजरात दिवाकार बंदा अल्लाह पाप दी जन्नत अंदर चला जाएगा। इस वास्ते
अल्लाह पाक को दुआ करया कर या अल्लाह जिस वक्त मौत आए थे आखिरी कलमा मेरी जुबान थे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ओ जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी लगी तोड़ निभाला मैनू फकत सहारा तेरा है अल्लाह अकबर अल्लाह ते कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दी फजीलत की है फरमाया शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वा उलुल इल्म कायमं बिलकिस्त फरमाया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दी फजीलत खमियत वे फरमाया अल्लाह ने गवाही दे दी है कि अल्लाह तो इलावा इलाहा कोई नहीं अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं इस कलमे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डायरेक्ट तौहीद उलूहियत का भी बयान फरमाया तौहीद उलूहियत का माना यह है कि अल्लाह इला कल्ला है और कलमे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद रबूबियत बयान फरमाइए तौहीद रबूबियत का माना यह है कि अल्लाह रब है अल्लाह ही पालने वाला है और इस कलमे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद अबूबियत बयान फरमाइए यानी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाएगी ला इलाहा जड़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इस समझ लो तलवार है इस तलवार ने जितने भी माबूदाने बातला ने उन्होंने तोड़ के रख दिता है ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्ला मगर ओ माबूद है अल्लाह माबूद है अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरात दीवाकार गौर कर दे जाना दरा पहली सिफत अल्लाह पाप दी आयत कुर्सी अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया अल्लाह तो इलावा इलाह कोई नहीं ते दूसरी सिफत केड़ी फरमाया अल्लाह हय्युल कय्यूम दूसरी सिफत अल्लाह पाप दी अल हय्यु दमाने वे हर वक्त जिंदा रहन वाला हर दौर अंदर जिंदा रहन वाला अदराती दिवाकार अल्लाह पाप दी सरजमीन ते अल्लाह पा दे बड़े बड़े बरगुजीदा पैगंबर आए ने अल्लाह को अकबर अल्लाह जितने भी पैगंबर ते नबी अल्लाह पाक दी जमीन ते आए ने कोई भी दुनिया ते हमेशा वास्ते बाकी नहीं रहा सैयदना जनाब आदम पैगंबर तो लैके तिस दौर तक जितने भी इंसान दुनिया ते आए ने अल्लाह को अकबर अल्लाह अपनी अपनी जिंदगी पूरी करके इस दुनिया तो जा रहे ने एक कली मेरे अल्लाह दी सिफत कई मेरा अल्लाह कल्ला निजाम चलाने वाला है मेरा कल्ला अल्लाह हर दौर दे अंदर जिंदा रहने वाला है अल्लाह को अकबर अल्लाह और दूसरी सिफत अल्लाह दी अल कय्यूम दा माना है वे कायम रहन वाला एक हालत अंदर कायम रहन वाला जिदे अंदर तब्दीली ना आवे जिदे अंदर तगज्जुर ना आवे अदराती दिवाकार मेरे ते तब्दीली याद आंदी तुहाडे ते भी तब्दीली याद आंदी है अल्लाह दे नबियां ते भी तब्दीली आ गई अल्लाह दे नबियां दे दाड़ियां दे वाल पहले सफेद काले हुंदे सन एक वक्त आया अल्लाह दे वलियां दे अल्लाह दे नबियां दे वाल सफेद हो गए उन्नते पहले जवानी फिर बड़ा पा गया अदराती दीवाज का जड़ा बदल जाए जिद अंदर तगजुराद मुश्किल कुशा नहीं हो सकता और हादत रवा नहीं हो सकता मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्ला की ताल साड़ी जमात दे बहुत बड़े आलमी दिन गुजरे ने वो अक्सर ऐलान अपनी तकरीर अंदर ना अक्सर चैलेंज फरमाया करते सन जेड़े पीर ते फकीर अपने आप मुश्किल कुशा ते हाथ तलवार कहन वाले जड़े कहते जड़े दावा करते ने कि असी बेटे ते बेटियां देन वाले हाँ फरमाया सारे दरबारी पीर फकीर एक मैदान अंदर जमा हो जान और एक मैदान अंदर जमा हो करके मेरा एक
चैलेंज पूरा कर देवन। वह फरमाया कर दे सन ये सारिया पीरों मेरा चैलेंज है कि इन्हों के दाड़ी के वाल जो सफेद हो चुके ने फरमाते ने सारे वाल नहीं बल्कि बस दो तीन वाल अपने हाथ अंदर पकड़ करके अपने वाल नू दबका मार देवे ओए वाला हो जा काला। अगर उस पीर की करामत नू मन करके ओदे चिट्टे वाल काले हो गए तो असी मान लवेंगे ये बेटे ते बेटियां दे सकता है ये जनाब लोगों दी मुश्किलां भी हल कर सकता है ये लोगों दी हादत रवाइयां भी कर सकता है लेकिन अपनी दाढ़ी दे और अपने सर दे वाल जड़े सफेद हो चुके ने उन्हां नू काला ना कर सकिया। जड़ा वाल नहीं काला कर सकता वह बाल भी नहीं दे सकता वह बेटे ते बेटियां भी नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खराब ते दीवाकार गौर कर दे जाना दराओ फिर मनना पवेगा कि मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है हालत रवा सिर्फ अल्लाह है। मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अल मदद अल मदद या खुदा या खुदा। मुश्किल वक्त अंदर या अली मदद नहीं पीर अब्दुल कादर जिलानी नूं नहीं पुकारना बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं पुकारना है। तीन सदावां लगाया कर मुश्किलों में सदा तू है मुश्किल कुशा अल मदद अल मदद या खुदा या खुदा अल मदद या खुदा या खुदा। हम हमेशा इबादत तेरी ही करें तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे। तुझसे आबिद यही तुझसे साजिद यही कर रहा है दुआ अल मदद अल मदद या खुदा या खुदा। आगे फरमाया ला तखुदू सीना तुम वाला ना अल्लाह अकबर लैना लफ्दा दा मना वे कि अल्लाह पाक नूं दा गलबाना ऊंग त्याना बड़ी दूर दी गल अल्लाह नूं नी तक नहीं आंदी। ऊंग दा मन जिस वक्त बंदे नूं नींद आंदी है ना ते नींद आन तो पहले ऊंग आंदी ऊंग दा मन ही हुंदा कि जिस्म अंदर सुस्ती आ जांदी है यानी बंदा सौम दी तैयारी करदा है। कई बंदे जुम्मे अंदर अखां बंद करके ऊंघते ने यानी सौंदे नहीं ऊंघ आ जाती है। इस चीज़ में ऊंघ कहा जाता है कि बंदा थोड़ा बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत सुंदा है। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ऐसी जात है कि जड़ी अव्वल तो लाके हूं तक ओदे ते नींदा गलबा आना ते बड़ी दूर की गल है अल्लाह पाक ते ऊंघ दा भी गलबा नहीं आता मेरे मौला ते सुस्ती भी नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत नींद तो भी पाक ने ते ऊंघ तो भी पाक ने। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना कदराब ते दीवाकार गौर कर दे जाना तेरा जड़ा मुश्किल कुछ आप दे तरवा हुंदा सौ सकदा वह सौ नहीं सकदा। अगर अल्लाह पाक सौ जाने दुनिया दन दम दरकम बरकम हो जाए इस बात मेरे मौला एक ने फरमांद ने आयतल कुर्सी अंदर अल्लाह फरमांद ने लोगो मेरी सिफत वे लाता खुद हुसीना तुम वाला ना मेरे तनी तना हुंदा गलबा आंदा है। रबते दिवाकार रात दे वक्त अगर किसी बंदे से टेंशन बन जाए रात दे वक्त अगर किसी बंदे नूं परेशानी आ जाए अल्लाह अकबर अल्लाह तो अपने पीर दे दरबार देते जाए अपनी मुश्किल कुछ आपके हाज तरवाब के दरबार देते जाए ते पता चले पीर साहब सुते ने उठन गे ना आन गे तो आन गे फिर आन गे उतनी देर नूं पता नहीं बंदे की टेंशन बंदा फुड़क जाए रबते दिवाकार बंदा मर जाए। अल्लाह फरमाते ना ना मेरे बंदे इन्हां गल्लां नूं समझिया कर गैराम दे दर दे रब दे वक्त जाएंगे तो उन्होंने सुता पिया पाएगा मेरे दर च आएगा जिस वक्त मर दिया दिन आन तो मैं तेरी पुकार नू सुनागा रात ना मैं तेरी पुकार नू सुनागा पुकार ना तेरा काम है तेरी मुश्किल नू हल करना मेरा काम है। आ मेरे बंदे मेरे दर च आ कर होया जा मंग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब
क्यों शर्माना आए, ओ बूहे गैरां दे क्यों जाना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, खाली हाथियां वे जोली बार दे वा मेरे बंदे मेरे दर्द आया कर, जेबा खाली लेके आएगा वापस जाएगा मैं तेरिया जेबा भर देवगा, खाली हाथियां वे जोली भर देवा, तेनू माल ओलाब दिते दर देवा, ओ तेरी हर मुश्किल हल कर देवा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैनू मिलन नू लगदा कराया आने, मेरे बंदे सबर करके दाता दरबार लाहौर वल जाएगा, कराया लगा के जाएगा जेबा भर के जाएगा, वापस आएगा जेबा भी खाली देगा भी खाली, मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ला तखुदू सिनतुं वला नौ, मेरे अल्लाह त्यों ते नींद गल बन जांदा, इत्थों तक तुहानूं समझ लग गई है आयतुल कुर्सी दी, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहुल हय्युल कय्यूम ला ताखुदू सिनतुम वला नौम, अल्लाह पाक दियां तीन सिफतां हो गईयां, पहली सिफत कि अल्लाह हर वक्त जिंदा रहने वाला है, ये दुनिया कायनात दे किसी बंदे अंदर सिफत नहीं, और दूसरी सिफत अल्लाह एक ही हालत अंदर बरकरार रहने वाले ने, और तीसरी सिफत कि अल्लाह पाक ते नाउंदा ना नींदा गलबा आंदा, चौथी सिफत केड़ी अल्लाह पाक दी, अल्लाहु अकबर ला तवज्जो करना कदर आपते दी कार गौर कर दे जाना जरा, अगे फरमाया मंजल इल्ला बिइदनी, अगे फरमाया लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, इन्ना जुमलियां दा माना एक है, अल्लाह फरमांदे ने जमीन आसमान दे खजाने मेरे कोल ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला जमीन आसमान दी बादशाह अल्लाह पाक दे कोले, हज़रते दी कार हर किस्म दे खजाने अल्लाह पाप दे कोल ने, अल्लाह जिन्नू चावे अमीर कर देवे, अल्लाह जिन्नू चावे गरीब कर देवे, अल्लाह जिन्नू चावे बहुता माल अता करे, जिन्नू चावे अल्लाह थोड़ा माल अता करे, अल्लाह नू कोई पूछ नहीं सकदा, अल्लाह दे सामने कोई खंग नहीं सकदा, अल्लाह दे सामने कोई इतराज नहीं कर सकदा, फरमाया जमीन आसमान दे खजाने मेरी ताकत अंदर ने, ते जिन्नू चावा बहुता अता कर देमा, जिन्हों चाव मैं थोड़ा ता कर देमा, अल्लाह को अल्लाह दे खजाने दे अंदर कोई शरीक नहीं, अल्लाह दे खजाने दे अंदर नबी शरीक कोई नहीं, अल्लाह दे खजाने दे अंदर कोई वली शरीक कोई नहीं, अल्लाह को अकबर अल्लाह, आज लोग कहते ने मैं फुलाम दा मंगता, मैं फुलाम दा मंगता, अल्लाह दिया बंदिया तू रब दा मंगता बंदा, दुनिया ते भी कामयाबी ते आखरत अंदर भी कामयाबी मिलेगी, मेरे पैगंबर नूं अल्लाह पाक ने कासिम बनाया, कासिम दा माने वे अल्लाह अता कर देने, ते मेरे नबी तकसीम करने वाले ने, अल्लाह को बल्कि मेरे पैगंबर ने खुद फरमाया, फरमाया कुल्ला कुल लकुम मिन दी खजाइनुल्लाह, फरमाया मैं नहीं कहंदा मेरे को अल्लाह दे खजाने ने, मेरा रब मैनू अता कर दे ते मैं लोगां दल तकसीम कर देना वा, अल्लाहु अकबर अल्लाह, हो जिवें मौला करीम ने रंग लाए ने, अल्लाह दे रंग ने कोई अमीर ते कोई गरीब, कोई गदा ते कोई फकीर, कोई बादशाह ते कोई नौकर ते कोई चाकर, अल्लाह पाप दे रंग ने, अल्लाह अकबर अल्लाह, जिमे मौला करीम ने रंग लाए ने, इवें होर ते कोई रंग दा नहीं, भावे जिन्ना भी ताकतवर होवे कोई, ओदे हुक्म अगे कोई खंगदा नहीं, ते गले नाल बरे ने गुदाम किधरे, ते किते खान नु आटा डंगदा नहीं, ओ यारो रब जैसा सखी होर केड़ा
ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਉ ਮਾਫੀ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਮਾਫੀ ਅਰਦ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਦ ਵੀ ਤਕਾਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਦੇਗਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਟਿਕੜਾ ਤਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਉ ਮਾਫੀ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਮਾਫੀ ਅਰਦ, ਅੱਲਾ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਚੱਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੈਯਦਨ ਜਨਾਬੇ ਨੂਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਯਦਨ ਜਨਾਬੇ ਲੂਤ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਕੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ਼ੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਜਹਲ ਉਤਬਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਬਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ, ਇਹ ਮਾਲੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਛੁੜਾ ਲਏਗਾ, ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਅਮਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਮਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਦਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਾਗ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਦੱਲਾ ਦੀ ਅਸ਼ਵਾਇੰਦਾ ਹੋ ਇਲਾ ਬੀ ਮਨਜ਼ਲ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨਜ਼ਲ ਦੀ ਯਸ਼ਫਾਉ ਇੰਦਹੁ ਇਲਾ ਬਿਇਜ਼ਨਿਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ